की कहानी एक बूढ़ा ब्राह्मण था वह रोज़ पीपल को जल से सींचता था पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती पिताजी मैं आपके साथ जाऊँगी यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा तो बूढ़िया ने पूछा कि क्या बात है तब बूढ़ा कहता है पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को और जहाँ छह लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में है वहाँ सातवीं लड़की और सही अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ मैं छान देती हूँ जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गया उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि रा आज मैं रसोई बनाऊंगी तब बुढ़िया कहती है ना तेरे हाथ जल जाएंगे लेकिन लड़की नहीं मानती और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के छत्तीसों व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे रात हुई तो बुढ़िया को का जो भाई है वह आ गया और कहने लगा दीदी मैं तो खाना खाऊंगी अब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा तब तो लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा लेकिन रोटी तो सबने खा ली है तब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी लड़की कहती है मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए छत्तीसवें व्यंजन बना दिए मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो उसने पहले कहीं नहीं खाया बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी उसी ने बनाया है शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना कोठे में मैं सोऊँगी बुढ़िया बोली ना बेटी तू डर जाएगी लेकिन वह बोली कि ना मैं ना डरूंगी मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी वह कोठे में ही जाकर सो गई आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण जो सो रहा था उसने देखा तो कहा बेटी तू कहाँ चली लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया अब सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे पावनी बेटी कहां चली गई? बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई हे लक्ष्मी माता जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना इसी कड़ी में मां लक्ष्मी की एक और कहानी आती है एक गांव में एक साहूकार था उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ तब लड़की कहती है मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई अपने घर में लक्ष्मी जी ने उनका दिल खोर कर स्वागत किया उसकी खूब खातरी की उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई उसे डर लग रहा था कि वह क्या करे लक्ष्मी जी का अच्छे से कैसे स्वागत कर पाएगी साहूकार ने की बेटी ने की उदासी देखकर उसके पिता समझ गए तो उसने अपनी बेटी को समझाया तो फौरन मिट्टी से चौंका लगाकर साफ सफाई कर चार बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा उसी समय एक चील द्वारा रानी का नौलखा हार उसके पास आ गया अब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ उनके घर आ गए साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया हर हर महादेव